हाय, तो आज मैं एक क्विक गेट रेडी विथ मी मेकअप ट्यूटोरियल बनाने जा रही हूँ। सो यहाँ पे बहुत ही मिनिमल रहेगा और ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो बेसिकली ये है लैक्मी लिमोलाइट क्रीम मॉइस्चराइजर, काफ़ी अच्छी है एक्चुअली। इसको ऐसे करके अपने पूरे स्किन पे मॉइस्चराइज करूँगी। फिर इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ 1.2% ग्लाइकोलाइट सेरम। ये है ग्लाइको ब्राइट। इससे क्या होता है कि मार्क्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और इसके बाद है हाइलुरोनिक एसिड 2.2% सेरम। ठीक है जी। ये क्यों नहीं आ रहा है? तो इसको मैं ऐसे करके डैप 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 करने वाला है। ठीक है। इसके बाद मैं यूज करूंगी अल्ट्रा शियर ड्राई टच सनब्लॉक SPF 50, बिकॉज सन डैमेज होता है स्किन। इज बेटर टू यूज SPF 50। 50+ PA++++, मतलब इसमें डबल प्रोटेक्शन है। थोड़ा सा लेके इसमें इसको लगाओ। इसके बाद मैं यूज करूंगी इनसाइड का कंसीलर। ये कंसीलर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मेरे हिसाब से जो ये कंसीलर है ओके ओके है। बहुत कुछ ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ही अच्छा है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरा भी है। तो ओके ओके टाइप्स है। तो इसको मैं इसको यूज करने वाली हूँ अंडर आई पे डाउन डॉट वर्क करके करके इस पे मैं यूज करूंगी। मैं फिर से ये वाला ले रही हूँ। खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। क्या पॉन्स हाइलुरोनिक एसिड उसे ले रही। मुझे पर्सनली ज़्यादा फेस पे पाउडर लगाना पसंद नहीं है, तो आई डोंट यूज इट। बहुत रेयर मैं यूज करती हूँ पाउडर, अनलेस एंड अंटिल इट्स वेरी हॉट। पर अब इसके बाद ओनली आई एम गोइंग टू यूज काजल, आई मीन सॉरी, आई एम गोइंग टू यूज आईलाइनर। मैंने इसको पोंछ लिया। यू नो व्हाट, मैं आज आईलाइनर स्किप करती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। एंड ऐसे इसको फिर से, क्योंकि मैंने इसको पोछा था, तो इसको मैं फिर से लगा लेती हूँ। मैं इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मतलब इतना मुझे मेकअप वेकअप होता उतना कुछ ज़्यादा आता नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये है जेड रोलर। इससे अगर आपका कभी पफी आईज हो तो वो भी ठीक हो जाती है। इसके बाद ये लिपस्टिक आई एम गोइंग टू यूज इट। ये है लैक्मी का, आई डोंट नो व्हिच शेड इज दिस, ये दिख नहीं रहा, क्रिम्सन रोज। तो इसको मैं थोड़ा सा लूंगी और ऐसे ऐसे करके सेम चीज लिपस्टिक को मैं यहाँ पे थोड़ा डाल दूंगी। यहाँ पे एक डॉट, 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 और इसको ब्लेंड कर दूंगी। गिर गया। ठीक है जी। देखिए अच्छा लग रहा है ना। अभी इसके बाद मुझे जब भी कुछ सामान चाहिए होता है, पता नहीं क्यों मुझे इस टाइम पे नहीं मिलता, तो मैं इसे शॉपिंग करने वाली हूँ। वेट अ सेकंड। ये बेसिकली है मार्स से एज ऑफ डिजायर, एक लिप लाइनर है। इसको मैं ऐसे करके यूज करूंगी। और मैं कभी कभार क्या करती हूँ, जब अगर ब्राउन और लिप लाइनर है तो मैं इसको काजल जैसे भी थोड़ा सा लगा देती हूँ।
जैसे इसमें एक अच्छा सा लुक आता है। देखिए सही लुक आ गया ना। ठीक है, ऊपर भी मैं थोड़ा लगा दूंगी। अभी ऑलमोस्ट हो गया है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं आईलाइनर थोड़ा सा यूज कर लेती हूँ, जस्ट साइड पे, एक डेफिनेशन आ जाएगा। एंड इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज, मेरे पास मस्कारा नहीं है, आई नीड टू बाय इट। सो बस थोड़ा सा यहाँ पे डाल लूंगी और थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्योंकि मेरा आईज जो है वो एलमंड शेप है, तो ऐसा है, ऐसा तो क्योंकि आईज एलमंड शेप है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे भी नहीं, काजल यहाँ से भी नहीं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे डाल देती हूँ तो भी वो चलता है, मतलब कोई इशू नहीं है। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, ज़्यादा कुछ मेकअप वेकअप तो नहीं लगाया गया, एंड आई एम डन। इसको मैं साइड पे रख के अभी, चलिए आई एम गोइंग टू वेयर माई ड्रेस एंड दिखाते हैं आपको, हेयर भी दिखा दूंगी। तो अभी मैं ये इयररिंग पहन रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी फिलहाल के नहीं है, सामने नहीं है पहनने के लिए। तो ये